देश को आज पहली सेमी हाई स्पीड रैपिड एक्स ट्रेन मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के गाजियाबाद से रैपिड एक्स ट्रेन कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस दौरान मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद रहे। पहले चरण में साहिबाबाद से दुहाई तक 17 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर इस ट्रेन का परिचालन होगा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का 17 किलोमीटर लंबा फर्स्ट फेज रास्ते में गाजियाबाद गुलधर और दुहाई स्टेशनों के साथ साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ेगा। इस ट्रेन को नाम दिया गया है नमो भारत, जिसमें 21 अक्टूबर से आम नागरिक सफर कर सकेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने बच्चों के साथ रैपिड रेल में सफर किया और उनके साथ बातचीत की। बताया जा रहा है कि ट्रेन 15 मिनट के अंतराल पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की आधारशिला 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी, जिसके बाद अब गाजियाबाद वासियों को ये सौगात मिल चुकी है।